दोस्तों Realme इंडिया में लॉन्च कर दिया है Realme GT Neo 3T फ़ोन को। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Realme GT Neo 3T और Poco F4 5G फ़ोन के बारे में। ये दोनों फ़ोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेटर है और क्या अंतर है दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशन में, और इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बना रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। रियलमी GT Neo 3T फोन में डिस्प्ले साइज दिया गया 6.62 इंच का फुल एचडी प्लस E4 एमोलेड डिस्प्ले दिया गया। इसमें नॉच नहीं दिया, छोटा सा पांचोल दिया गया। एस्पेक्ट इशू का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया। स्क्रीन टू वीडियो रेशियो का बात करें तो 91% स्क्रीन टू वीडियो रेशियो मिल जाता है। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो पोको F4 5G फोन, इसमें डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें भी नॉच नहीं दिया, छोटा सा पांच होल दिया गया। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। स्क्रीन टू वीडियो रेशियो का बात करें तो इसमें भी 91% तक स्क्रीन टू वीडियो रेशियो मिल जाता है और इसमें भी 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। तो डिस्प्ले में पे ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले दिया गया है। दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो दोनों फोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया। जो प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया, वो जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया। वो जो टाट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया। दोनों फोन का सेल्फी कैमरा, दोनों फोन का रियर कैमरा सेम मिल जाता है। सेल्फी कैमरा का बात करें तो Realme GT Neo 3T फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया F2.0 अपर्चर का साथ में 5 और सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो पोको F4 5G फोन, इसमें 20 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर का साथ में 5 और सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो सेल्फी कैमरा में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, थोड़ा बेटर कैमरा होगा पोको F4 5G फोन का। दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो दोनों फोन का परफॉर्मेंस में यहाँ पे कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन में सेम क्वालकॉम का प्रोसेसर दिया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। इसका क्लॉक स्पीड है 3.2, यह क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो एड्रोनो 650 जीपीयू दिया गया है। यह बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, ये 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। यह गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। दोनों फोन का वॉइस यूजर इंटरफेस का बात करें तो Realme GT Neo 3T फोन में एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। साथ में Realme UI 3.0 दिया गया। यहाँ पे बात करें तो पोको F4 5G फोन, इसमें भी एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है और साथ में Mi UI 13 दिया गया है। और दोनों फोन का वारंट का बात करें तो Realme GT Neo 3T फोन 3 वारंट पर आता है। जो बेस वारंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में दिया गया। जो मिड वारंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में दिया गया। जो हायर वारंट है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। यहाँ पे बात करें तो पोको F4 5G फोन, ये फोन भी 3 वारंट पर आता है। जो बेस वारंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। जो मिड वारंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। जो हायर वारंट है 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। दोनों फोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते, अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो Realme GT Neo 3T फोन में इसमें 5000mAh का बैटरी दिया गया। और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 80W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो पोको F4 5G फोन, इसमें 4500mAh का बैटरी दिया गया। और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 67W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो बैटरी पर फास्ट चार्जिंग पर यहाँ पे बाजी मान लेता है Realme GT Neo 3T फोन। दोनों फोन का USB कनेक्टर का बात करें तो USB टाइप सी दिया गया है। दोनों फोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फोन में डुअल 5G सिम सपोर्ट मिल जाता है। 2 5G सिम एक के साथ में यूज़ कर सकते हैं। दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफ़ी अच्छा बढ़िया शाइनी डिज़ाइन दिया गया। ग्लासिक फिनिशिंग बैक मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन दिया गया दोनों फोन में। और ये दोनों फोन का प्राइस का बात करें तो Realme GT Neo 3T फोन का जो बेस वारंट होगा 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। ये फोन का प्राइस है 25,999 रुपीज पर आता है। और जो मिड वारंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, ये फोन का प्राइस है
27,929 रुपीज़ पर आता है, जो हायर वारंटी है। 8 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है। ये फोन का प्राइस है 29,999 रुपीज़ पर आएगा। यहाँ पे आप बात कर लेते हैं पोको F4 5G फोन। ये फोन का जो बेस्ट वारंटी है 6 GB रैम, 120 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। ये फोन का प्राइस है 27,999 रुपीज़ पर आएगा। और जो हायर वारंटी है, मिड वारंटी है, 8 GB रैम, 120 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। ये फोन का प्राइस है 29,999 रुपीज़ पर आएगा। जो हायर वारंटी है 12 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। ये फोन का प्राइस है 33,999 रुपीज़ पर आता है। तो ये फोन का भी कुछ ऑफर्स देखने को मिल जाएगा। जो बिग बिलियन का सेल आ रहा है, इसी सेल पर ये फोन भी काफी अच्छा खासा बढ़िया प्राइस पर मिलेगा। जो बेस्ट वारंटी 25,000 का अंदर मिल जाएगा। ये दोनों फोन का प्राइस में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं ये दोनों फोन का कन्फ्यूज का, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है रियलमी GT Neo 3T फोन। इसमें दो तीन फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसमें जो बैटरी है, बैटरी थोड़ा बढ़िया दिया गया है। 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है और 80 W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ये दो तीन चीज बढ़िया देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो पोको F4 5G फोन, इसमें सिमिलरली स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ इंक्रीज नहीं किया। इसमें सेल्फी कैमरा थोड़ा सा लाइटली बेटर हो सकता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। सेल्फी कैमरा में थोड़ा सा लाइटली बेटर हो सकता है और कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया गया है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 4500 mAh का बैटरी दिया गया है और 67 W का फास्ट चार्जर दिया गया है। तो ये तीन चीज़ बढ़िया बैटर देखने को मिल जाता है रियलमी GT Neo 3T फोन में। अगर रियलमी GT Neo 3T फोन आपको 26,000 में मिल रहा है बेस्ट वेरियंट, तो आप ये फोन परचेस कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज पर ये फोन आप परचेस कर सकते हैं। अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो जाए, जो 30,000 से स्टार्टिंग हो जाए ये फोन का प्राइस, ऑफर में आपको नहीं मिल रहा, तो आप ये फोन स्किप कर सकते हैं। ये फोन स्किप करके इसके जगह पर आप परचेस कर सकते हैं आईको नियो 6 फोन को। ये फोन काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। अगर 26,000 में आपको मिल रहा है रियलमी GT Neo 3T फोन, तो आप ये फोन परचेस कर सकते हैं। काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। ये प्राइस पर डिपेंड करता है, इस प्राइस रेंज पर अभी जो प्राइस पर अवेलेबल है ये फोन, इस प्राइस रेंज पर काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। काफी बढ़िया फोन है इस प्राइस रेंज पर। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो आप ये फोन को स्किप कर सकते हैं, इससे बेटर फोन आपको इस प्राइस रेंज पर मिल जाएगा। आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा फोन आप परचेस करना चाहोगे, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो बस तो वीडियो के मैं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, और हो सके तो अपना ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोग को ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के मैं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।